नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी मसूर दाल की स्वादिष्ट सब्जी रेसिपी। तो एक बार मेरे तरीके से मसूर दाल की सब्जी बनाइए, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होएगी। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मसूर दाल को 4 से 5 घंटा भिगोकर इस तरह से एक मिक्सर जार में पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला धनिया पाउडर के साथ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जीरा डालेंगे साबुत, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब डालेंगे पतला पतला कटा हुआ प्याज और इसे अच्छे से हाथों की सहायता से इस तरह से मिक्स करेंगे। अब गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे और इसको इस तरह से पीसेज में फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट एक तरफ कुक होने के बाद पौने के साथ सावधानी से उलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। यदि यह रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये देखिए, अब अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर बिल्कुल सुनहरा हो गया है। अब इसी स्टेज पे इसको निकालेंगे और बाकी के भी बचे इसको फ्राई करेंगे। अब गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे, जीरा हरा मिर्च से तड़का लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट तैयार किया था और इसी में पिसा हुआ मसूर दाल 1 चम्मच डाला था। सबको साथ में अच्छे से डालकर फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर गरम मसाला के साथ, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1 चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पे, जब तक मसाला से तेल अलग ना हो जाए। तो एक बार मेरे तरीके से मसूर दाल की रेसिपी बनाइए, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होएगी। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ सर्व करिए। सबके साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए, मसाला अब अच्छे से भुना गया है। अब इसके अंदर डालेंगे पानी। यहाँ मैंने 1 बड़ा गिलास का पानी लिया है, आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस ग्रेवी को अच्छे से पानी के अंदर मिक्स करेंगे। यहाँ पे मसूर दाल का पेस्ट भी था थोड़ा, इसलिए इसको सावधानी से मिक्स करना है। ये देखिए, अब अच्छे से मसाला पानी के अंदर मिक्स हो चुका है। अब इसको अच्छे से उबलने देंगे। ये देखिए, ग्रेवी अच्छे से उबलने लगा है। अब इसके अंदर डालेंगे फ्राई किया हुआ मसूर दाल की बड़ियों को और अच्छे से मिक्स करते हुए 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेंगे, ताकि ग्रेवी का जूस अंदर चला जाए, इन बड़ियों के अंदर जाए। ये देखिए, सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा शानदार और लजीज सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो एक बार अवश्य ट्राई